हीरो हीरोइन सिर्फ फिल्मों में छुपते छुपाते शादी नहीं करते साहब, असल जिंदगी में भी हीरो हीरोइन अक्सर छुपते छुपाते शादी करते हैं, लेकिन जमाने की नजर उन्हें पकड़ ही लेती है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी भी जरा छुपते छुपाते ही हुई, मतलब बिना शोर गुल के। देवानंद साहब की शादी के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला जमा था। तो इन छुपते छुपाते शादी सीरीज में सबसे पहले बात करेंगे देव आनंद की। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। देवानंद साहब और सुरैया जी के अफेयर के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अफेयर टूट भी गया। सुरैया ने पूरी जिंदगी कुमारे रहने की कसम खा ली और वो वाकई ऐसी ही रहीं और कुमारी ही गुजर भी गईं। पर देवानंद साहब ने शादी करी बिना बताए। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान कैमरामैन उन्हें समझाता रहा, देव इस तरह से खड़े रहो वैसे खड़े रहो। देव की हीरोइन थी मोना सिंगा, जो कि देवानंद के बड़े भाई चेतनानंद और उनकी बीवी उमा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कोई नहीं सोच सकता था कि देवानंद और मोना सिंगा एक दिन प्यार के बंधन में बंधते बंधते शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शूटिंग चल रही थी, डायरेक्टर साहब ने कहा कि लंच ब्रेक, सारी टीम लंच करने के लिए चली गई। पर देवानंद साहब को तो एक अलग ही भूख थी, और वो भूख थी अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने की। ये लेके गए मोना सिंगा को और उसी लंच ब्रेक में इन्होंने शादी की, अंगूठियां एक्सचेंज की और कह दिया कि जन्म जन्मांतर तक मोना मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मोना सिंगा ने भी कह दिया कि हाँ देव हम साथ रहेंगे एज मैन एंड वुमन, मतलब शादी पक्की। ये वही मोना सिंगा हैं जिन्हें आप कल्पना कार्तिक के नाम से जानते हैं। इस शादी से देवानंद साहब को दो बच्चे भी हुए, बेटा सुनील और बेटी देवीना। लेकिन ये खबर बाहर कैसे आए कि इन दोनों ने शादी कर ली है? हुआ यूं कि जब लंच ब्रेक खत्म हुई तो देवानंद और मोना सिंगा यानी कि कल्पना कार्तिक वापस शूटिंग के लिए आए। कैमरामैन ने कहा कि चलो भाई शॉट रेडी है। देवानंद पे फोकस किया और फिर कहा कि अरे देव पिछले वाले शॉट में तुमने अंगूठी नहीं पहनी थी, इस बार अंगूठी कैसे आ गई तुम्हारे हाथ में? इसे अंगूठी को हटाओ, कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी। देवानंद साहब ने कहा कि चुप रहो, बोलो मत ज्यादा, अगर ज्यादा बोलोगे तो सब समझ जाएंगे कि ये अंगूठी शादी की अंगूठी है। और वाकई वो शादी की अंगूठी थी। देव साहब और कल्पना कार्तिक ने तो शादी छुपाने की कोशिश की, लेकिन लंच ब्रेक के फौरन बाद कैमरा जो कि सब कुछ पकड़ लेता है, जो कुछ सब कुछ कैद करके रखता है, उसने पकड़ लिया और कह दिया कि देव तुम्हारी शादी हो गई, तुम पकड़े गए। और फिर बात धीरे धीरे जमाने में भी फैल गई। इसी छुपते छुपाते शादी सीरीज में आने वाले एपिसोड में बात करेंगे कुछ बड़े ही दिग्गज कलाकारों की छुपते छुपाती शादियों के बारे में। To know more interesting stories of Bollywood, subscribe Page 3 Reporter.